मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में दिखा रेलवे की भारी लापरवाही का परिणाम। मानिकपुर में रेलवे ट्रैक टूटने से 13 डिब्बे पटरी से उतरे। पटना जा रही थी वास्को डिगामा एक्सप्रेस, 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, सैकड़ों की संख्या में यात्री हुए घायल। मात्र 7 डिब्बे लेकर बाद में पटना रवाना हुई ट्रेन। बिहार सरकार के विकास की पोल खोलता सुपौल का पुल। मामला बलुआ पंचायत का है, जहां कोसी नदी पर बना है यह खतरनाक पुल। पुल की चौड़ाई है मात्र 2.5 फुट। 40 साल पुराने पुल से गुजरती है प्रतिदिन हजारों जिंदगियां। कई बार हो चुके हैं हादसे, फिर भी अंधी और बहरी बनी है सरकार। मुंबई के भिवंडी इलाके में गिरी एक 4 मंजिला इमारत। इमारत में रहते थे 14 परिवार। अभी तक मात्र 5 लोगों को मलबे से निकाला जा सका। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। वहीं गलियों में इमारत होने की वजह से राहत कार्य हो रहा है बाधित। उड़ीसा के मयूरभंज में नदी के मझधार में बच्चों का भविष्य। विकास की पोल खोलती है तस्वीर, जहां नदी के तेज बहाव से गुजर रहे हैं बच्चे। मामला बागरी पोसी का है। नदी का तेज बहाव पार करते हुए बच्चे जाते हैं स्कूल, दूसरा नहीं है कोई रास्ता। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीच शहर में भयानक हादसा। ओवरब्रिज तोड़ते हुए एक बस 25 फुट नीचे जा गिरी। बताते हैं कि बस की कंडीशन अच्छी नहीं थी। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 33 लोग हुए घायल, जिनमें कुछ की हालत बेहद चिंताजनक है। अमृतसर के विवेकसर रोड पर मिली बोरे में बंद एक लाश। ये लाश एक 24-25 वर्षीय युवक की है। अभी तक मृतक की नहीं हो चुकी पहचान। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने के प्रयास में है लगी।